हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा सूर्यदेव की नगरी औरंगाबाद में थी। वहां भारी जनसभा हुआ। राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उसका स्वागत किया और आज की यात्रा किसान महापंचायत से शुरू हुई है और आप सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम जी की धरती है। यहाँ पर किसानों से बातचीत करते हुए, लोगों से मिलते हुए यात्रा सासाराम रोहतास होते हुए कैमूर की धरती पे पहुँचा है। और आप यह भी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में 10वीं का एग्जाम हो रहा है, तो हम कांग्रेस पार्टी से सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में प्रमुखता से हम लोग 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। युवाओं का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। अगर हम इस 5 तबके को लेकर के देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि देश में एक अजीबो गरीब स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है, अभी कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तब राहुल जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये इस देश में चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब सीधा का सीधा इसका हिसाब ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है और जब चुनाव जीत जाएंगे तब देश का धंधा पानी जो है उनको हैंडओवर कर देना है। और ये जो मॉडल है, यही मॉडल है मोदानी का मॉडल। मोदानी कहने का मतलब मोदी जी और अदानी जी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों एक ही हैं। उनका काम है आर्थिक फ्रंट पे अदानी जी का लूटना और इनका काम है राजनीतिक फ्रंट पे देश को गुमराह करना, देश को भटकाना। और जब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि अगर आप चंदादाताओं का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आप अन्नदाताओं का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद हैं, 72,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया। और आज जब किसान MSP की मांग कर रहे हैं, जो वादा किया था सरकार के साथ, जो किसान आंदोलन हो रहा था, सरकार के साथ समझौता हुआ, सरकार ने वादा किया कि हम MSP को कानूनी दर्जा देंगे। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे देश में जैसे एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन MSP की बात की थी उन्होंने। हकीकत क्या है कि इस एरिया को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का MSP यहाँ लोगों को नहीं मिलता है और बाहर के साहूकार आते हैं यहाँ से धान खरीद करके छत्तीसगढ़ में जाकर के बेचते हैं, यहाँ से गेहूँ खरीद करके मध्य प्रदेश में जाकर के बेचते हैं क्योंकि वहाँ MSP ज़्यादा मिलता है, यहाँ MSP पे किसानों की खरीद नहीं होती है। तो ये जो मॉडल है, ये जो पकोरानोमिक्स है, इस पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आप बिहार में सुने होंगे कि जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया तो आज हमारा ही अकाउंट फ्रीज कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी का सारा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो ये सरकार मनमानी कर रही है, ED का, CBI का, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश में विपक्ष का गला घोटना चाहती है। बिहार में विपक्ष का गला घोटा गया है। क्यों? क्योंकि इस देश के आम लोगों के न्याय के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों वंचितों गरीबों के लिए, लोकतंत्र में उनकी आवाज़ समाप्त कर दिया जाए, उनके अधिकार समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है
न्याय की पुनर्स्थापना करके इस देश को हम जोड़ करके रखेंगे, नफरत को हरा करके, अन्याय को हरा करके हम लोग न्याय की मशाल जो है जलाए रखेंगे। तो मैं देश के और बिहार के सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़िए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने हक के लिए आप न्याय योद्धा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।